दोस्तों मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं द नवजीवन। और जैसे आप जानते हैं यूपी चुनाव शुरू हो चुके हैं और हम यूपी चुनाव यात्रा कर रहे हैं और लोगों की समस्या सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव जब आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि लोगों की समस्या दूर होगी, ये काम होगा, वो काम होगा, और बेरोजगारी तो मुद्दा रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो मूल समस्या होती है सड़कें, पानी वगैरह, ये इसमें कितना काम हुआ या नहीं। तो लोग यहाँ पर, जब हम इस वक्त हम कासिम विहार है यूपी के जो लोनी एरिया में आता है वहाँ पर मौजूद है, तो लोगों ने यहाँ बहुत समस्या बताई कि आप रोड देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये पानी पानी बिल्कुल भी, ये ना तो रोड बना हुआ है, गलियाँ कैसी हैं, और इधर थोड़ा सा आगे दिखाते हैं जल भराव। ये सड़कें बनी हुई है यहाँ पर और निकलने पानी का जब भराव है, कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी एक तरफ चल रही है, दूसरी ओर ये देख सकते हैं आप कि इनसे कितनी बीमारियां पैदा होंगी और कितनी समस्याएं खड़ी होंगी। तो क्या काम रहा है यहाँ पर, कोई काम नहीं हुआ है हमारे भाई साहब, यहाँ 10-12 साल हो गए, 20 साल में, 20 साल जैसे के अंदर यहाँ हमारी आज तक के गली का कोई वो नहीं हुआ, यानी कि जो मौजूदा सरकार है सामने जाओ, सामने सब जाए, पुरानी सरकार थी उसमें भी कुछ नहीं हुआ, अच्छा कुछ काम नहीं हुआ। देखिए अब ये 20-25 साल पुरानी है गली, ठीक है, अब 20-25 साल के अंदर देख लो ऐसी पानी में, आज पानी ऐसा कैसे भरे वो हमारे पास तो बच्चे आए थे। अच्छा क्या कभी आप यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं अलग से आते हैं, सब दिखाई देंगे इलेक्शन के टाइम में, आते बस बस बूढ़ा बस रहा है इलेक्शन के टाइम में, ऐसा ही हवा पास आएगा, किसी चला जाएगा पब्लिक बात मजा आ जाता है, इलेक्शन के समय आएंगे अब आना शुरू हो जाएंगे, जैसे हम लोग आने शुरू हो गए वोट लेना है, कोई भी आएगा अब भी आ गया भी आ जाएगा, ऐसे हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा यहाँ पे। तो आप जाते हैं क्या कहा जाता है क्या कहा था क्या कहा लगा ये उनका जब भी पूछते हैं उसे तो कहता हो जाएगा। तो क्या उम्मीद है इस बार, यही सरकार बनेगी या दूसरी सरकार बदलाव करेंगे आप? हम लोग तो चाहते सरकार बदलाव करने। अच्छा क्या वजह है उनकी कि ये काम नहीं हो रहा है? हमारे कोई समस्या नहीं पूरा हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, देखो पूरी गली खराब हो रही है, हमारा समस्या कोई नहीं पूरा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा महिलाएं यहाँ मौजूद है क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, मौजूदा गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो बहुत बढ़ते जा रहा है, परेशानी हो रही है किचन चलाने में महिलाओं को, और ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो मोदी जी की सरकार के साथ होती है। तो क्या जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, आपको लग रहा है महंगाई बढ़ रही है या खाली हवा में लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है? एक करके बोलिए, एक एक करके भैया, 850 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, कहाँ से जला पाएंगे हम? अच्छा गरीब आदमी है कि बताओ, ना रोजगार है, रोजगार हो तो भी आदमी, अच्छा काम धाम है नहीं तो लेंगे कहाँ से? अच्छा रही उस बात, देखो ये मेरा घर खड़ा है, सब है मौजूद है, मैंने 5 झटके में घर सही करा इस पानी की वजह से। अच्छा पानी भर जा घर गिर ले, पानी भर जा जब घर गिर ले, आपका 5 झटके घर सही होया हमारा। अच्छा भैया नालियाँ सड़क तो बस, नाली और सड़कें तो जरूर हो, नाली सड़कें जरूर हो, जरूर हो, तो वो तो मूल अधिकार है और मूल समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो सबसे पहले सोल्व होनी चाहिए, जिनका समाधान सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि 2021 में हम जी रहे हैं और अगर अभी भी सड़कें नहीं मिले, और ये वो एरिया जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, जहाँ ये पता नहीं चलता कि दिल्ली है या यूपी है, तब इन एरियों का ये हाल है। 20 साल हो चुके हैं, हमारे गांव से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मतलब इससे बेहतर तो हमारे गांव में। अच्छा आप बताइए महिलाएं हैं, क्या क्या लग रहा है इस बार सरकार क्या बदलेगी या इस सरकार से मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? बदलनी पड़ेगी, और क्या जब बताओ, जब पानी भरा पड़ा, देखो घर सारा हमारा बैठ गया कि पानी है, और जे तक नाटक लिया एकदम फरमा। लेकिन मोदी जी और योगी जी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, विकास नहीं हुआ, जाना किसके लिए भी ना हुआ, जाना कुछ भी नहीं हुआ, चलो उधर देखो चलो क्या हाल है हमारे। अच्छा पूरी गली देख ली हमने, पूरी एक बता दे, पूरी गली ऐसी ही है, घर बैठ गया पूरा, समस्या कोई नहीं सुनता, कोई भी ना सुना, पानी में पड़े रहे तुम तो पड़ रहे हैं, जब ना नहीं आते पानी में पड़े रहे हैं, सब सस्ते भी कहे वो भी देख के भग ले। अच्छा वो भी ना सुनता। अच्छा क्या मतलब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या ये आपके मोहल्ले का है ये हाल या सभी जगह क्षेत्र का यही हाल है? सबसे मेन समस्या जो है भाई साहब हमारी ये है कि हमारे पूरा कासिम बिहार का ये हाल, जो मेल नाले होने चाहिए पानी का, कॉलोनी का जिनमें निकास हो वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा मेन नालों की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, बेरोजगारी भाई साहब इतना बुरा हाल है बेरोजगारी का, बच्चे पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बहुत है, आपको भी लगता है बेरोजगारी है, और महंगाई इतनी हो गई चरम सीमा पे। बच्चे थोड़ा यहाँ से हट जाओ, थोड़ा सामने से हटो पहले, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन ये कहा जा रहा है मोदी सरकार या योगी सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार दिया, तो खाली झूठ बोला जा रहा है, हमारी नजर में तो कोई सही बात नहीं, ये तो सीधा सफेद झूठ बोला जा रहा है, सब कुछ विकास जा, हर आदमी मजदूर तबका परेशान है। तो किसकी सरकार देखना चाहोगे इस बार? बज्जी सरकार बदलाव हो, इस सरकार से भर पाए,
इस सरकार से भर पाए तो कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? बस जो भी आएगी अच्छी आएगी, सरकार किसी की भी आए, लेकिन हमें तो अपना रोजगार और हमारी गलियों का विकास, हमारे बच्चों की शिक्षा, इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या किसी सरकार पे भरोसा है आपको? क्योंकि सरकार कोई भी हो, इससे पहले भी बहुत सी सरकारें हुई, विकास तो इतना नहीं देखा होता है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं होता, बहुत कम होता है। नहीं होता है, लेकिन ये है कि देखो इतने टाइम से धक्के खाने के बाद कुछ तो हो, 20 साल से हमारे सबसे नाली खड़ा तो जब ही बने। अब ये दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, अगर जो कोई भी आदमी आगे देखता है तो आप पूरा हाल दीजिए, लेकिन ऐसे आदमी कुछ भी नहीं मिल रही, सुविधाएं। अच्छा लॉकडाउन में कैसा काम रहा है आप बताइए, लॉकडाउन में कैसा काम रहा है, क्या कुछ मिला नहीं मिला? महिलाओं से जानना चाहेंगे, लॉकडाउन जब यहाँ हुआ था सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली थी आपको? कुछ भी ना मिली, इतनी सी भी सरकार नहीं, क्या मिला? कुछ भी ना मिला, कुछ नहीं। अच्छा परेशान, जैसे दिल्ली राशन बांटा जा रहा था, कहा था राशन बांटा जा रहा है, 2000 रुपए दे रहे हैं, राशन बांटा तो बड़े बड़े लोगों को मिल गया, गरीबों को कुछ ना मिला, और 500 रुपया मिले बस, किसी के ना आए। आए नहीं, पहली बात तो हमारा तो गली में किसी का राशन भी आया तो उन्हीं लोगों को मिला, गरीब को तो मिला भी नहीं मिला, क्या मिला? मतलब सिर्फ कहने के लिए दिया है कि राशन मिला है, वैसे नहीं मिला, राशन बटा बटा। ठीक है, अच्छा पीछे एक नौजवान भी खड़े हैं, युवा से सभी जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार? बदलाव होना चाहिए, बदलाव। अच्छा पानी से सबकी एक ही समस्या, पूरी गली खराब है, तो बदलाव में किसे देखना चाहते हो? इससे दूसरा सरकार आएगा, दूसरा सरकार किसकी? अखिलेश है, अखिलेश का ही है, मतलब अखिलेश का, अखिलेश असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े हो रहा है, 100 सीटों पे लड़ रहा है अखिलेश। हाँ ये चीज आपसे बुझाना चाहिए, क्या कहा ओवैसी साहब 100 सीटों पे लड़ रहा है, और वो कहते हैं मुसलमानों को, मुसलमान के सबसे बड़े नेता, ऐसा कुछ नहीं है, ओवैसी जी ओवैसी जी हमारे जिम्मेदार है, ठेकेदार है। अच्छा हमें तो जो खाने को देगा, जो हमें रोजगार देगा, हमें विकास चाहिए, हमें बच्चों की शिक्षा चाहिए, हमें मतलब बढ़िया मतलब सुविधाएं मिले, तो हमें उससे ओवैसी से क्या लेना देना, क्या लेना देना, हमें तो जो काम अच्छा करेगा हमारे लिए बढ़िया। लेकिन वो तो कह रहा है चाहे अखिलेश सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, सबने मुसलमानों पे अत्याचार करा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अत्याचार की कोई ऐसी बात नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, आप मूल सुविधाएं जो है आदमी को ये चाहिए कि देखो जैसे अब अपनी बच्चों की शिक्षा हुई, नाली खड़ंजे और रोजगार, महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी कि एक आम आदमी जो है मजदूर आदमी का बिल्कुल खाना दुर्बल हो रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। चलिए अच्छा बच्चे भी खड़े हैं, इनसे पूछेंगे मोदी जी कौन है, पता है कुछ? नहीं पता, नहीं जानते कौन है मोदी जी? नेता है, कैसे नेता है? अच्छे बेकार, खराब, कैसे है? बेकार है, बेकार नेता है, पीछे बोले से बेकार नेता, कैसे नेता है मोदी जी? सही नहीं है, क्यों सही नहीं लगते? ना कुछ करते, खाली खाते पीते रहते हैं, मतलब बच्चे भी राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं, कैसे नेता लगते हैं? योगी जी बढ़िया नेता है या कोई और बढ़िया नेता है? अखिलेश जी सब बेकार नेता है, सब नाम के नेता है। तो देखिए बच्चा हो या बड़ा हो, हर किसी को एक ही चीज चाहिए, वो ये है कि आप काम करो, कोई भी सत्ता में आ जाए, बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, किसी को कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ एक चीज से कि आप काम कर रहे हो, क्योंकि जनता को काम चाहिए, आप काम करिए, वोट ले जाइए, वोट के काम के नाम पर ही वोट डल रहा है विकास के नाम पर। लेकिन भाजपा हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ रही है, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा मुद्दा हिंदू तत्व रहेगा, उसी के नाम पर वोट डालेंगे, लेकिन जनता काम के नाम पर वोट डाल रही है। हम और एरियो में जाएंगे और जगहों पर भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे किसकी सरकार बनेगी। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।